हेलो दोस्तों, मैं इस टाइम पर सैमसंग M52 5G यूज़ कर रहा हूँ। 7-8 महीने हो चुके हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आपको वो चेक करना तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे M33 5G के बारे में। गाइज, इसे क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसमें। मैं तो ये बोलूँगा M52 तो बहुत ही सही है, अगर हम देखा जाए M सीरीज़ में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बोलता हूँ M52 को, क्योंकि ये A सीरीज़ से भी थोड़ा बेटर ही काम करता है। बट M33 अगर बात कर ली जाए तो इसमें बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा है मेरे को। भले ही ये 2 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, इसके अंदर प्रोसेसर आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, इसमें रैम वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी लाइफ मैं बोलूँगा बहुत ही बेस्ट है, फास्ट चार्जिंग तो 25 वाट ही देता है सैमसंग, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। लेकिन जो इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो है इसमें कैमरा। गाइज, इसका जो कैमरा बहुत ही वर्स्ट मैं बोलूँगा। देखो, सबसे पहला वर्स्ट कैमरा क्यों लगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। रियली मतलब यार मजाक हो गई, सैमसंग को कुछ तो मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करके काम करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा आसमान में कि हम अगर बाहर भी जाते हैं और हल्का सा पिज़्ज़ा खाएंगे तो हमें एक सेल्फी लेनी होती है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा, आप समझ सकते हो, आज से 3-4 साल पहले फ्रंट कैमरे आते थे 8 मेगापिक्सल के, लेकिन सैमसंग ने क्या पता नहीं क्या सोच के हमें आज के टाइम पे 8 मेगापिक्सल दे रहा है। तो ये तो मैं बोलूँगा बहुत ही वर्स्ट बात हो गई। और बैक कैमरे की बात करी जाए तो 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। सेंसर तो अभी नहीं पता, बट 50 मेगापिक्सल के बाद जो बात करी जाए, अल्ट्रा वाइड 5 मेगापिक्सल है, मैक्रो 2 कोई काम का नहीं है, डेप्थ 2 मेगापिक्सल कोई काम का नहीं है। ऊपर से 50 मेगापिक्सल भी सैमसंग का कितना अच्छा काम करेगा कुछ कह नहीं सकते। तो कैमरा तो मैं बोलूँगा बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, स्पेशली फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, यानी आप भूल जाओ कि आप लो लाइट में कोई एक अच्छी सेल्फी खींच भी पाओगे। और बाकी तो आपके ऊपर है, अगर आपको खरीदना आप खरीद सकते हो। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि मुझे कैमरा का सेगमेंट बहुत बुरा लगा, और आज के टाइम पे अगर हम स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें कैमरा बहुत अच्छा मिले, क्योंकि कैमरा सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है। बैटरी लाइफ तो सभी में सब अच्छी मिल रही है, क्योंकि सभी स्मार्टफोन 5000 वाले mAh, 4000 प्लस mAh बैटरी मिल रही है, ठीक है, तो हम बैटरी लाइफ को इतना वो नहीं करते। डिस्प्ले भी बहुत सब में अच्छी मिल जाएगी, अगर आप कहीं भी देख लो, आप रियलमी चेक कर लो, रेडमी चेक कर लो, सैमसंग के अदर सीरीज चेक कर लो, वो आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएंगे इस M33 से। तो गाइज, मेरी यही थी वीडियो, छोटी वीडियो थी, बस मैं आपको यही बताना चाहता कि मैं खुद M52 यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसका कैमरा ठीक लगा, क्योंकि इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको खरीदना है M33 तो आप वेट कर सकते हैं 2 अप्रैल का। मैं कोई आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट हेट लाइक, मतलब डिसलाइक करना तो कर सकते हो, वो आपकी प्रायोरिटी है, बट कमेंट में प्लीज़ ये मत कहना कि यार मैं सैमसंग का हेटर्स हूँ, क्योंकि मैं खुद सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं हेटर्स नहीं हूँ। जो सच बात है उसे बस मैंने आपके सामने रखी है, ताकि बाद में आपको, आप खरीद लेते हो उसके बाद फील होता है कि यार कैमरा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती कि कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, कितना अच्छा काम करेगा। तो वही बात बतानी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई गाइस। अगर आपको अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।